पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। मिदनापुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची सीएम ममता बनर्जी, पानी में उतरकर लिया हालात का जायजा। मिदनापुर में बाढ़ से बुरा हाल, अब तक 19 लोगों की मौत, 22,000 से ज्यादा मकान को नुकसान। आगर मालवा में तेज धार में फंसे जानवर, ग्रामीण ने रस्सी के सहारे पार करवाई नदी। रतलाम में उफनती नदी में जान जोखिम में डालने को मजबूर है ग्रामीण, पुल नहीं होने से रोजाना पानी के बीच सफर करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में सड़क पर टूटकर गिरा पहाड़, मलबे की चपेट में आई जेसीबी मशीन। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से तबाही, सीएम योगी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। यूपी के जालौन में सैलाब से हाहाकार, टापू बन गए कई गांव, मुख्यालय से कटा संपर्क। वाराणसी में दिखा गंगा का रौद्र रूप, रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से हड़कंप। पटना सिटी के थाने में घुसा उफनती गंगा का पानी जब्त करके रखी गई, दर्जनों गाड़ियां डूबी। लुधियाना में स्कूल खुलते ही मचा हड़कंप, 2 सरकारी स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना संक्रमित। बच्चों में संक्रमण पाए जाने के बाद पंजाब सरकार में हड़कंप, संपर्क में आए सभी छात्रों की हो रही है जांच। केरल में जारी है कोरोना की डराने वाली रफ्तार, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा मरीज, 152 की मौत। संक्रमण के बीच केरल में ढीले पड़े कायदे कानून, कई पर्यटन स्थल खोले गए। वैक्सीन की किल्लत के बीच बंगाल को राहत, मंगलवार को 3,30,000 डोज पहुंची कोलकाता, करीब 3.5 लाख डोज और पहुंचाने की तैयारी। राजस्थान के 12 में वैक्सीन लेने उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं, 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी थी, 700 से ज्यादा लोग पहुंचे। रामपुर के पास बस हादसे का शिकार, 6 लोग घायल। बिहार से समस्तीपुर में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अपराधी फरार, बाइक पर सवार थे हमलावर, जांच में जुटी पुलिस। कौशाम्बी बीजेपी विधायक पर साधु का संगीन आरोप, प्रशासन को चिट्ठी लिखकर कहा आश्रम की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं विधायक। बारामती में अज्ञात शख्स ने तालाब में मिलाया जहर, 5,000 से ज्यादा मछलियों की मौत। भीलवाड़ा में निर्माणाधीन गोदाम की छत धराशायी, 3 मजदूर समेत 5 लोग जख्मी। बलिया में पुलिस जवानों ने की टूटी सड़क की मरम्मत की कोशिश, चंदे के पैसों से गड्ढे में भरी ईंट। छपरा में 104 साल के बुजुर्ग की मौत पर निकली अनोखी शव यात्रा, डीजे की धुन पर नाचे परिवार के लोग। दिल्ली के जंतर मंतर में भड़काऊ नारेबाजी मामले में पकड़े गए आरोपियों को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। वीडियो में नारेबाजी करने वाले एक शख्स उत्तम मलिक की हुई पहचान, आरोपी फरार। उत्तम मलिक की तलाश में गाजियाबाद के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी, एक और संदिग्ध पिंकी चौधरी फरार। पुलिस की पकड़ से बाहर पिंकी चौधरी ने आज तक से की बात, नारेबाजी के संदिग्ध का दावा, दिल्ली पुलिस ने नहीं किया कोई संपर्क। बिहार जेल में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध मौत मामले में सनसनीखेज दावा, जेल में ही बंद एक कैदी ने डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत 30 कर्मचारियों पर लगाया अंकित की हत्या का आरोप। बिहार में बंद कैदी अरुण नागर ने जेल से ही जारी किया अपना वीडियो, खुद को बताया अंकित की पीट पीट कर हत्या का चश्मदीद। अंकित गुर्जर इन तिहाड़ जेल कर्मियों ने मार पीट करके मार दिया, और क्या नाम है, मैं उस मर्डर का आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जेल के भीतर से वीडियो बनाकर भेजने से तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल, नागर ने खुद की जान को भी जेल अधिकारियों से बताया खतरा। आरोपों के घेरे में आए डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा समेत 4 लोगों को तिहाड़ डीजी ने कल ही किया था सस्पेंड, नरेंद्र मीणा पर दर्ज है हत्या की FIR। श्रीनगर में युवक के बैग से 2 ग्रेनेड बरामद, स्थानीय न्यूज एजेंसी का कर्मचारी है संदिग्ध। पढ़ाई के लिए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने वाले युवा आतंकी संगठनों में हो रहे हैं शामिल, जम्मू कश्मीर पुलिस के पास 57 युवकों की जानकारी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने की पाकिस्तान के जाने के लिए नियम सख्त करने की मांग, कहा अच्छी तरह छानबीन के बाद मिलनी चाहिए इजाजत। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए सरहद पर करीब 30 नए आतंकी लॉन्च पैड के साथ तैयार, खुफिया सूत्रों के मुताबिक पकड़ से बचने के लिए ISI बदल रही है घुसपैठ की जगह। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के सिर्फ 2 लोगों ने खरीदी जमीन, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। कानपुर में 24 घंटे में रेप की 3 घटनाएं, महिला सुरक्षा पर उठे सवाल। कानपुर में लागू है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, लागू होने के बाद हालात काबू में नहीं, 3 महीने में 12 रेप की घटनाएं, 4 महिलाओं की हत्या।
गुरदासपुर में बॉर्डर के नजदीक उड़ रहा एयरफोर्स का ड्रोन तकनीकी खराबी के चलते गिरा, बीएसएफ जवानों ने खेतों से किया बरामद। प्रतापगढ़ के बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को आया वसूली का फोन, 5 करोड़ नहीं देने पर बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली सटे गुरुग्राम में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, घर वालों ने पुलिस को बताया आरोपी का नाम। ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, आज ही मोहर लगने की उम्मीद। कल लोकसभा से ओबीसी विधेयक को मिली मंजूरी, करीब 6 घंटे की चर्चा के बाद बिल पास। ओबीसी बिल पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ, ज्यादातर दलों ने जताई सहमति। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के मुताबिक नए कानून से पिछड़ी जातियों को मिलेगा सामाजिक न्याय। खेती कानून को लेकर कल राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार बवाल, टेबल पर चढ़कर रूल बुक फेंकी गई। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की एडवाइजरी, सभी नागरिकों को वतन वापसी के निर्देश। दागियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, उम्मीदवारों को 48 घंटे के अंदर देनी होगी आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी। दागियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना में फंसे सियासी दल सीपीएम और एनसीपी पर 5-5 लाख, बीजेपी कांग्रेस समेत कई दलों पर 1-1 लाख का जुर्माना। अंधेश्वर चित्तूर में बीजेपी नेता ने मंदिर में ली शपथ, भ्रष्ट नहीं होने का किया दावा। वाईएसआरसीपी के विधायक ने विष्णुवर्धन पर लगाया था भ्रष्टाचार का आरोप, भगवान के सामने ईमानदारी की शपथ लेने की दी थी चुनौती। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में काटा बवाल, 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग। आरक्षण के बाद पिछड़ा वर्ग की सियासत में बीजेपी का एक और दांव, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज मोदी कैबिनेट के ओबीसी सदस्यों का होगा सम्मान। पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार शुरू करेगी महाराष्ट्र सरकार, आईटी के क्षेत्र में दिया जाएगा सम्मान। आरसीआई के सालाना सत्र को संबोधित करेंगे पीएम, कारोबार के जरिए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर होगा मंथन। गुरुग्राम में जिला प्रशासन ने दावों की खुली पोल, टीकाकरण के लिए लंबी कतार। किसान सम्मान निधि के नाम पर ममता और केंद्र में फिर छिड़ी जंग, सिंगूर के किसानों को ममता ने चिट्ठी लिखकर कहा केंद्र नहीं भेज रहा है पैसा। 16 अगस्त को ममता ने खेला होबे दिवस का, साधु संतों ने दर्ज कराई आपत्ति, राज्यपाल से की मुलाकात। साधु संतों के मुताबिक 1946 को इसी दिन मुस्लिम लीग ने मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे, कलकत्ता में हुआ था भारी खून खराबा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात पर बवाल, विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में लोगों का मिजाज भांपने के लिए बीजेपी की कोशिश, नमो ऐप के जरिए शुरू किया सर्वे। सर्वे में पीएम मोदी की छवि को लेकर सवाल, चुनाव में उम्मीदवारों की जाति या ट्रैक रिकॉर्ड अहम, इस पर भी मांगी राय। यूपी में ब्राह्मणों के नाम पर बीएसपी ने तेज की सियासत, सतीश चंद्र मिश्रा का आरोप, योगी राज में चुन चुनकर बनाया जा रहा है निशाना। अगड़ी जाति के वोटों पर समाजवादी पार्टी की नजर, पीलीभीत में सदस्यता कार्यक्रम में ब्राह्मणों को दी गई अहमियत। ओम प्रकाश राजभर ने नजदीकियों को समाजवादी पार्टी ने दिखाई हरी झंडी, प्रदेश अध्यक्ष बोले जब चाहे बात कर सकते हैं राजभर। यूपी में किसान आंदोलन की काट के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान, 16 से 23 अगस्त के बीच किसानों से घर घर जाकर बात करेंगे बीजेपी नेता। अलीगढ़ में योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का मोर्चा, बेरोजगारी और किसान कानून के मुद्दों पर प्रदर्शन। झालावाड़ में वसुंधरा राजे के दौरे में हंगामा, पूर्व सीएम को काले झंडे दिखाने की कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार, ठंडे बस्ते में जाने की अटकलें, विधानसभा क्षेत्रों में लौटने लगे कई दिन से जयपुर में जमे विधायक। गृहमंत्री अमित शाह से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, खेती कानून को खत्म करने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में कैबिनेट बदलाव को लेकर चर्चा। नवी मुंबई में नाबालिग बेटी की पर मां की हत्या का आरोप, पढ़ाई के लिए मां के डांटने से थी खफा। बाड़मेर में बाइक पर जा रहे दंपति को रास्ते में अगवा कर पत्नी से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में अपहरण के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, बीजेपी विधायक का आरोप, रिश्वत लेकर दर्ज किया गया झूठा केस। विदिशा में जमीन के विवाद में युवक की हत्या पर बवाल, परिजनों ने रास्ते में शव रखकर लगाया जाम। मुंबई में मोबाइल चोरी के शक में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पटना में पंखे से लटके मिली महिला की लाश, मायके वालों की शिकायत पर पति गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार, सरकारी नौकरी के नाम पर सैकड़ों लोगों को दिया झांसा। दिल्ली एयरपोर्ट से 53 करोड़ की हेरोइन बरामद, 2 अफगानी नागरिक गिरफ्तार। शैंपू की बोतल में छिपाई गई नशे की खेप, तेहरान से दुबई होते हुए दिल्ली आए थे तस्कर।
नासिक में 8 लाख की रिश्वतखोरी के आरोप में शिक्षा अधिकारी गिरफ्तार, अपने ड्राइवर के जरिए ली थी घूस की रकम। अमृतसर पहुंची ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पुरुष और महिला हॉकी टीम्स, आज होगा सम्मान। अमृतसर एयरपोर्ट पर दोनों हॉकी टीम्स का जोरदार स्वागत, भारी भीड़ रही मौजूद। ढोल नगाड़ों से किया गया हॉकी टीम का स्वागत, नाचते गाते दिखे लोग। सबसे पहले स्वर्ण मंदिर आए खिलाड़ी, मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। स्वर्ण मंदिर तक के रास्ते भर लोगों ने किया स्वागत, सेल्फी लेने की होड़। एसजीपीसी भी कर रही है हॉकी टीम का स्वागत, खुश दिखाई दिए खिलाड़ी। कुरुक्षेत्र में अपने घर पहुंची महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, शहर वाले लोगों ने किया स्वागत। महिला हॉकी टीम की 2 सदस्यों को पंजाब सरकार देगी 50-50 लाख का पुरस्कार। डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंचने वाली कमलप्रीत को मिलेंगे 10 लाख। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पहलवान रवि दहिया की मुलाकात, ओलंपिक में जीता है सिल्वर मेडल। महिला पहलवान विनेश फोगाट, अनुशासनहीनता के मामले में सस्पेंड, 16 अगस्त तक देना होगा जवाब। आज देश भर मनाया जा रहा हरियाली तीज का त्यौहार, पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं करेंगी विशेष पूजा। हरियाली तीज की तैयारी में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में खास तैयारी, सोने के झूले में बिठाए जाएंगे नंद गोपाल। चंडीगढ़ में कल से दिखने लगा तीज का उत्साह, महिलाओं ने गीत संगीत के साथ की पर्व की शुरुआत। हापुड़ में सजे तीज के बाजार, श्रृंगार और पूजा के सामान की बढ़ी मांग।